हेलो एवरीवन, दिस इज मी आशीष गौर। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं स्नैपसीड फोटो एडिटिंग पर। तो जैसे कि आजकल बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रही है इस तरह की फोटो। दोस्तों, अगर आपने हमें अभी तक इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ फॉलो ज़रूर करें। वहाँ पर मैं हर रोज एक नई पोस्ट डालता हूँ। बिना टाइम इसके वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि दोस्तों, हमें चाहिए होंगे दो फ़ोन। एक फ़ोन से हम फोटो को क्लिक करेंगे और एक दूसरे फ़ोन को जो हम लोग हैं वो अपने हैंड में पकड़ लेंगे कुछ इस तरीके से। और अपने बैकग्राउंड में ग्रीन कलर का होना ज़रूरी है और वो बहुत ही अच्छा लगता है जब आप अपने फ़ोटो को एडिट करेंगे। तो कुछ इस तरीके से अपने मोबाइल फ़ोन को अपने हाथ में पकड़ लेंगे, अपने कैमरे को ऑन कर लेंगे। मैं वैसे स्क्वायर मोड पर फ़ोटो को क्लिक करता हूँ तो अपनी फ़ोटोज़ को हम क्लिक कर लेंगे। अपने हैंड की अच्छी तरीके से फ़ोटो क्लिक करने के बाद हम अपने बैकग्राउंड की फ़ोटो को भी क्लिक कर लेंगे। एक दो फ़ोटो हम क्लिक करने के बाद हम अपने स्नैपसीड एप्लीकेशन में इसे एडिट करेंगे। दोस्तों, अपनी फ़ोटो को शेयर कर लेंगे अपने स्नैपसीड एप्लीकेशन में। वहाँ पर टूल्स पर क्लिक करेंगे। टूल्स पर क्लिक करने के बाद हाईलाइट पर क्लिक करेंगे और हमारा जो फ्लावर दिख रहा है उसे हम इरेज कर देंगे पूरी अच्छी तरीके से। और देन हम नीचे के ऑप्शन से डन कर देंगे। डन करने के बाद फिर से हम टूल पर क्लिक करेंगे। टूल पर क्लिक करने के बाद हमें ब्लर का ऑप्शन दिख रहा होगा यहाँ पे नीचे। ब्लर पर क्लिक करेंगे और देन हम इसे अच्छे तरीके से एडजस्ट करके साइड में लेकर आएंगे और ये पूरी तरीके से हमारी फ़ोटो पर ब्लर आ जाएगा। जब आप बिल्कुल साइड में कर देंगे तो ये अच्छे तरीके से आपको दिख रहा होगा कि आपकी फ़ोटो पर ब्लर आ गया। और आप इसे ब्लर को 97 के पास रख देंगे और यहाँ पे जितने फंक्शन से आप उनमें एडजस्ट करके आप देख लें और आपकी फ़ोटो काफ़ी अच्छे तरीके से आप सेट कर लें जब आपके ये सब। और देन आप यहाँ से नीचे के ऑप्शन से इसे डन कर ले लो। दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे कि हमारी फ़ोटो कुछ इस तरीके से बिल्कुल क्लियर एंड शार्प हो चुकी है। तो आप यहाँ पे टूल्स पर फिर से हम लोग क्लिक करेंगे। टूल्स पर क्लिक करने के बाद हम लोग डबल एक्सपोजर पर क्लिक करेंगे। डबल एक्सपोजर के बाद हम यहाँ पे ऐड फोटो करेंगे। यहाँ से अपनी गैलरी में जाने के बाद हम लोग अपने उस फोटो को लेंगे जिस फोटो को हमने जो मतलब हाथ में हमने फ़ोन पकड़ा हुआ था उस फोटो को हम लोग यहाँ से ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद यहाँ पे एक ड्रॉप का ऑप्शन जो आपको दिख रहा होगा थर्ड नंबर पे, उस पर हम लोग क्लिक करेंगे और अच्छे तरीके से इसे एडजस्ट करेंगे। जब अपनी फ़ोटो को अच्छे तरीके से एडजस्ट कर लेंगे, एडजस्ट करने के बाद हम अपने यहाँ नीचे के ऑप्शन से इसे डन कर लेंगे। डन करने के बाद आपको यहाँ ऊपर के ऑप्शन पर एक अंडू का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पर हम लोग क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद व्यू एडिट्स पर क्लिक करेंगे। व्यू एडिट्स पर क्लिक करने के बाद डबल एक्सपोजर, इसके बाद हम ब्रश को ले लेंगे। ब्रश को लेने के बाद अपने डबल एक्सपोजर को हम लोग बढ़ाएंगे घटाएंगे वो आप देख लेंगे इस पर क्लिक करने के बाद। और हम अपनी फ़ोटो को रिटच करेंगे और जैसे ही इस पर हम टच करेंगे आपका जो फ़ोन होगा वो बाहर आने लगेगा। तो आप यहाँ से आप जल्दी जल्दी से आप कर सकते हैं। तो आप ध्यान रहे, आप अपनी फ़ोटो पर अच्छे तरीके से टच करें और आपकी फ़ोटो अच्छे तरीके से क्लियर और शार्प निकल आए। तो आप अच्छे तरीके से अपनी फ़ोटो को एडिट करते रहें। दोस्तों, आप आई बटन पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं आपकी फ़ोटो अभी तक कितनी एडिट हुई है। दोस्तों, हमारी फ़ोटो पर 50% एडिटिंग हो चुकी है। आप आई बटन पर क्लिक करके आप देख सकते हैं नीचे के ऑप्शन पर आप डन कर लें यहाँ से और यहाँ से बैक कर लें ऊपर के ऑप्शन से। और देन हम लोग अब टूल के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, फिर से थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे और हाइलाइट्स पे क्लिक करेंगे। हाइलाइट्स पे क्लिक करने के बाद आपको दिख रहा होगा हमारी फ़ोटो में कुछ यहाँ पे ग्रीन कलर का ऑप्शन आ रहा है, ग्रीन कलर का दिख रहा है। तो हम इसे इरेज कर देंगे अच्छी तरीके से क्योंकि हमने ध्यान नहीं दिया फ़ोटो क्लिक करते टाइम और ये थोड़ा सा अजीब हो गया था। तो अब हमारी फ़ोटो कुछ इस तरीके से हो गई है। अगर दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना। एडिट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, नीचे डबल एक्सपोजर, फिर नीचे में ऐड बटन पर क्लिक करेंगे, ऐड फोटो कर लेंगे। यहाँ से हम सिप अपनी ले लेंगे, सिप की फ़ोटोज़ या गूगल पर सर्च करने के बाद आपको कहीं भी मिल जाएंगी। तो हम अच्छी तरीके से इसे एडजस्ट करेंगे, माइनस प्लस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी फ़ोटो कितनी क्लियर
कहाँ पे सेट करनी है फ़ोन के डिस्प्ले के ऊपर। डिस्प्ले पर अच्छी तरीके से आप सेट कर लेंगे और अच्छी तरीके से आप ध्यान देकर अपनी फ़ोटो को 100 कर देंगे और यहाँ से डन कर देंगे। डन करने के बाद हम लोग ऊपर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पे व्यू एडिट पर क्लिक करेंगे। डबल एक्सपोजर ब्रश, ब्रश को लेने के बाद हम लोग ऑपेसिटी को बढ़ाएंगे, इसको 100 करेंगे। 100 करने के बाद हम लोग फिर अपनी स्क्रीन पर कुछ इस तरीके से रिटच करेंगे। रिटच करते टाइम फ़ोटो को आप जूम कर लें, आई बटन पर क्लिक कर लें और बहुत ही अच्छे तरीके से और आराम से फ़ोटो को एडिट करिए और अपने डिस्प्ले पर देखते रहें कि आप कितनी जगह पर आपकी फ़ोटो अभी तक इमेज पूरी सेट हुई है या नहीं। तो ध्यान देकर अपनी फ़ोटो को एडिट करें, फ़ोटो को जूम करके अच्छे तरीके से आप अपनी फ़ोटो को रिटच कर लें और देन हमारी फ़ोटो कुछ इस तरीके से पूरी 100% जो है एडिटिंग हो चुकी है और बहुत ही ब्यूटीफुल, खूबसूरत, बहुत ही ज़्यादा हमारी फ़ोटो अच्छी लग रही है। नीचे के ऑप्शन से आप डन कर लेंगे। फिर यहाँ से हम लोग बैक करके अपनी हम फ़ोटो को गैलरी में सेव करेंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। यहाँ नीचे डाउनलोड के ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी गैलरी में फ़ोटो को सेव कर लें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे।